परम शांति बाबूजी, बाबूजी आपका स्वागत है। और ये जो पार्ट टू हमने बनाया है, पार्ट वन के कंटिन्यूएशन में स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि आपकी जर्नी कौन सी एज से शुरू हुई, जब कब से आपने आत्माओं को देखना शुरू किया। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट वन में लिए थे। अभी पार्ट टू के अंदर जो बाकी क्वेश्चन हैं हम आगे कवर करेंगे। बाबूजी, नॉर्मल दुनिया के जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल से कॉन्टेक्ट रखना उनके लिए ठीक है या नहीं? देखो, एक तो मैंने देखा है, मैं जब कॉलेज में हॉस्टल में रहता था, तो कई लोग बच्चे इकट्ठे होकर, कॉलेज के स्टूडेंट इकट्ठे होकर रात को कम्युनिकेट करके आत्माओं को बुलाना चाहते थे। तो उसी टाइम की बात करता हूँ कि एक बार आत्मा आई, जरूर आई। उसका एक होता है विधि, जो लोग ज्यादातर है ऑनलाइन भी देख सकते हो। तो एक आत्मा आई है, किसी में प्रवेश कर गई और किसी में प्रवेश कर गई और वो फिर बाद में बहुत निकलना भी उसको भारी पड़ा। तो कई दिनों को निकलने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, वो ओझा के पास ले गए, फिर उसको बहुत मेहनत से निकाला उसको। तो ऐसी कम्युनिकेट न करें ऐसी आत्माओं से, तो उसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। मतलब स्पिरिचुअल की आत्माओं कोई तुम्हें फायदा तो देगी नहीं। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हें फायदा देगी, वो थोड़ा टाइम टेम्पररी तुम्हें हेल्पलाइन करेगी, बाद में तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान करती। क्योंकि वो आत्मा खुद को तुम्हारे घर में रहने के लिए एक बहाना ढूंढती है, या तुम्हारी बॉडी में प्रेस करने के बहाना ढूंढती है, और फिर वो आके खा पी के मौत करके चली जाती है। बाबू जी, क्या आपकी आपने सूक्ष्म दुनिया की जो महान आत्माएं हैं उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई? जैसे ओशो है, स्वामी विवेकानंद है, ऐसी हाई स्पिरिचुअल आत्माएं। मैंने बताया कि मैं हमेशा अपने आप को बहुत हाई लेवल में इमर्ज करता था। ठीक है, यूनिवर्स का देखोगे, यूनिवर्स का 16 कलाकार, तो हमारा यूनिवर्स जो कहते हैं ना कि ये तो जीरो कला का भी अंश मात्र, इन्होंने जो विजिबल जो यूनिवर्स कहते हैं ना, अंश मात्र। तो मैं हाई लेवल पे ही अपने आप को इमर्ज करता था, और मैं वैसे खड़ा हूँ तो पूरी गैलेक्सियों को देखता था, बड़ी बड़ी गैलेक्सियों देखता था, दूसरे यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स में खड़ा होता था, पूरे मल्टीवर्स के ऊपर खड़ा होता था। तो वहां होकर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था। मैंने कभी ऐसी, ये जो हिंदू के जो शास्त्र है, कोई भी ऐसी आत्माओं से मैंने कोई भी ना कनेक्शन जोड़ा है, ना मैं जोड़ना चाहता हूँ, ना बात करना चाहता हूँ। ओके, तो बाबूजी, जो चिरंजीवी आत्माएं, 7 चिरंजीवी आत्माएं बोलते हैं, जो द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, और ऐसे हनुमान जी, और ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं, तो वो आत्माओं से कभी आपकी मुलाकात हुई सूक्ष्म जगत में? मगर मैं हमेशा जब अपने आप को इमर्ज करता हूँ जी, तो बहुत हाई लेवल में, जैसे आप समझो कि यूनिवर्स का 3 कला पे कितना होता है, कोई मल्टीवर्स भी, यूनिवर्स का 3 कला बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो वहां तो ये सब आत्माएं तो दिखेगी नहीं, क्योंकि ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तब एक गैलेक्सी बनती है। ठीक है, और एक खरबों गैलेक्सियों मिलके तो एक यूनिवर्स बनता है। तो मैं तो यूनिवर्स का भी 0 कला से, 1 कला, 2 कला, 3 कला से ऊपर हमेशा हिम्मत करता था। फिर बाद में जब ज्ञान बढ़ा तो ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट 7, G17 तक जो पुराने लोग है देखेंगे, पूरे मल्टीवर्स, फिर मल्टीवर्स से ऊपर कोई मत करता हूँ। तो वो बेहद का विश्व में ऑब्जर्वेशन करता हूँ। मेरा ये काम इन लोगों को देखना या अनुभव करना, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो बेहद के विश्व का ऑब्जर्वेशन करता हूँ। स्पिरिचुअल की जो हलचल के बारे में आप कई बार बताते हो, तो सबसे पहली बार आपको कब महसूस हुआ कि स्पिरिट वर्ल्ड में हलचल है? स्पिरिट वर्ल्ड में जब हलचल होती है, मैं बताऊँ, कभी इमर्ज मैंने किया था, कभी कभी कई आत्माएं, ये अभी वो समय तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर स्पिरिट वर्ल्ड की बहुत हलचल के कारण एक ऐसा नेचुरल कैलेमिटी जैसा माहौल क्रिएट कर सकती है आत्माएं, और वो नेचुरल कैलेमिटी जैसा माहौल क्रिएट करके किसी एक धर्म के नाम को बुट्टा लगाना चाहती है दूसरे धर्म की आत्माएं। ऐसा मैंने एक बार अनुभव किया था, क्योंकि जानता हूं, मगर अभी तो नाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जैसे कि जैसे बहुत क्रिश्चियन धर्म की बहुत बेहिसाब आत्माएं हैं सूक्ष्म जगत में, तो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसी नेचुरल कैलेमिटी लाते हैं, ताकि हिंदू धर्म के जैसे बद्रीनाथ जैसे या केदारनाथ जैसे नेचुरल कैलेमिटी आए और मंदिरों में बहुत नुकसान हो, तो ऐसा नेचुरल कैलेमिटी ला सकते हैं। ऐसा मैंने दृश्य देखा है, अपनी आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऐसे दृश्य देखे हैं कि नेचुरल कैलेमिटी लाते हैं, साइक्लोन भी ला सकते हैं ऐसी आत्मा। बाबू जी, स्पिरिट वर्ल्ड का जो आज का जो राजा है, या इंचार्ज कहें, या जो फाइन, मतलब वो कौन है आज के? आज के तो छोटे छोटे स्पिरिट वर्ल्ड के जैसे बहुत हैं ऊपर,
हमारा जैसे पहले इंद्रदेव होता था तीन लोग का, हाँ, भूलोक बभ्रुलोक स्वर्लोक, तीनों लोग का राजा इंद्रदेव होता था, ठीक है, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्रदेव बोलते थे। मगर आज तो अभी इतने दूर दूर से आए हुए हैं, मैंने कई वीडियो में बोला है कि इसलिए धर्म कहाँ से आए, तो दूर दूर से आए हैं और उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप होता है इनका, और बहुत धरती पर जितने साधु संत महात्मा जो देख रहे हो ना, अलग अलग कितने हैं, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय देख रहे हो ना, वो सभी के सभी सूक्ष्मतन में है, और वे सभी सूक्ष्मतन में इनका ग्रुप होता है, और वो सभी ग्रुप धरती पर आके मनुष्य जीवन धारण करके वो काम करते हैं। बल्कि अनेकों धर्म के भूत जो होते हैं वो दूसरों मनुष्यों को हैरान परेशान करके धर्म परिवर्तन करा रही है। धर्म परिवर्तन का काम सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत कर रही है। मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल वाले स्थूल जगत को कैसे बदल सकते हैं? कोई नहीं बदल सकता, पहले भी बोल चुका हूँ, इनके पास पावर ही नहीं है बदलने का। नहीं, आप कह तो रहे हैं कि धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अच्छा, जैसे क्रिश्चियन लोग आज इतने 300 करोड़ कैसे हो गए धरती पर, 800 करोड़ में पहले, अभी तो आए तो 2000 करोड़ पहले ही आए ना, 2000 साल, हाँ 2000 साल हुआ ना, तो 2000 में इतने 300 करोड़ कितने हो गए, हाँ कैसे हो गए? तो इन लोगों ने जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी है, दूसरों को जबरदस्ती बल प्रयोग करके धर्म परिवर्तन कराया है, या लालच देके कराया है, या सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनमें प्रवेश करा के धर्म परिवर्तन कराती है। कोई भी धर्म की बात करता हूँ, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, धर्म मठ पंथ संप्रदाय की बात करता हूँ। तो आपका स्पिरिचुअल का जो अनुभव है वो कैसा, शॉर्ट में समझना चाहे तो? स्पिरिचुअल तो बहुत बड़ा है, इन शॉर्ट में बताऊं स्पिरिचुअल तुम, इनकी लिमिट कितनी होती है, तो धरती है, धरती तो कुछ नहीं, स्वयं के नोक बराबर भी नहीं है। सूक्ष्म जगत जिनके हम भूलोक से ऊपर भूभूलोक कहते हैं वो भी बहुत बड़ा है, उसमें बहुत स्पिरिचुअल मतलब ऐसी आत्माएं हैं, इसे ऊपर स्वर्ग लोग कहते हैं, ऐसे अलग अलग ऊपर लेयर्स हैं, बहुत लेयर है, हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत लेयर अभी बन गए, बहुत लोग आए हैं, बहुत आए हैं लोग। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे भूलोक से ऊपर भूगर्भलोक, तो ये जो पहला लोक है, जैसे ये धरती लोक पे 700 करोड़ या 800 करोड़ मनुष्य है, तो वो भूगर्भ लोक पे कितनी आत्माएं वहां पे होगी? धरती पर भी अनेक सूक्ष्म जगत की आत्माएं ना, भूत प्रेत योनि तो धरती पर है ना, हाँ, मृत्यु लोक में है ना, हाँ, या मृत्यु लोक है ना, हाँ, तो दूसरे लोक में भी आत्माएं बहुत बैठी हैं, भूगर्भ लोक में, मतलब हमको ये उसमें उनको काउंट में अगर डालना चाहे तो 1000 करोड़, 100 लाख करोड़ ऐसी अनकाउंटेबल होती है। ओके, जैसे 800 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी काउंट करना मुश्किल है ना, हाँ, तो पहले तो काउंट नहीं होता था ना, नहीं। तो ये तो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, ये तो धरती पर भी मृत्यु लोक में भी बहुत आत्मा है, तो ये तो दूसरा लोक तीसरा लोक ऐसे कई लेयर्स हैं अभी तो, पहले तो ऊपर 7 लेयर बोलते थे, भूलोक बभ्रुलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम। तो बाबू जी ये स्पिरिट वर्ल्ड जो है, जैसे जैसे हमारे धरती पे जैसे बताया 4 युग होता है, सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग, तो क्या जब ये सत्ययुग चल रहा था धरती लोक पे, सत्य का युग जब चल रहा था, तो क्या उस समय ये भूत प्रेत आत्मा ये स्पिरिट वर्ल्ड था? जब से भी मनुष्य हुआ, हाँ, तो सत्ययुग में भी कई मनुष्य तो मरते थे ना, हाँ, तो वो इच्छा मात्र का शरीर छोड़ देते थे ना अपनी इच्छा से, उनका 1 लाख साल का आयुष्य था, जो भी काफी उम्र बड़ी थी उनकी, मगर कोई भी मनुष्य आत्माएं शरीर इच्छा से अपना शरीर छोड़ देती थी, तो 3 तत्वों में रह गई ना, तो 3 तत्वों में सत्ययुग मनुष्य भी अच्छा था और भूत प्रेत होने वाली आत्माएं भी नहीं थी उधर, मगर अच्छी आत्मा कहेंगे उसको, उसको भूत प्रेत होने वाली आत्मा नहीं कहेंगे सत्ययुग में। तो द्वापर और उसमें द्वापर और कलयुग में जो आत्मा है, त्रेता युग और द्वापर युग में, उसकी त्रेता युग में धीरे 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 नेगेटिव आत्माएं सूक्ष्म जगत में बनने लगी, तो आत्माएं बढ़ने लगी स्पिरिचुअल में, आत्माएं बढ़ने लगी आपका मतलब? जैसे स्थूल जगत खराब होने लगा ना, मनुष्य स्थूल मनुष्य धरती पर स्थूल मनुष्य खराब होने लगे ना, ठीक है, वही मन के भूत प्रेत बनते हैं ना, ठीक है, तो जैसे मनुष्य बना द्वापर से त्रेता के अंत से, हाँ, तो जैसे राम रावण का युद्ध हुआ त्रेता के अंत में, तो ऐसी तरह आत्माएं मनुष्य आत्मा खराब होती गई, ऐसे सूक्ष्म जगत भी खराब होता गया, अभी धीरे 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 सूक्ष्म जगत इसे ऊपर भी सूक्ष्म जगत और खराब हुआ, इसका रिएक्शन ऊपर तक जाने लगा। बाबू जी स्पिरिचुअल का ऐसा कोई रहस्य आप बताना चाहेंगे जो आपने अभी तक कभी वीडियो में ना बताया हो और अभी बताना चाह रहे हो? हाँ, तो स्पिरिचुअल का कनेक्शन मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो साइंस वाले पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं ना, और एक मनुष्य आत्मा जैसे अभी है ऐसे उसके कई रूप दूसरे यूनिवर्सों में है, दूसरे यूनिवर्स में भी उसके कई रूप है। किन के, फिर से बताइए। जैसे कोई एक मनुष्य आत्मा यहाँ है, ठीक है, अब वो बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है,
वो दूर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है, ठीक है, और वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई आत्मा है, और वहां जब ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में था तब उसने अनेक सर्जन करके संकल्प द्वारा अनेक रूप निकालते, उसने ग्रेट यूनिवर्स में भी भेजा है अपना रूप, कई रूप यूनिवर्स में भी भेजा है, कई गैलेक्सियों में भी उसके रूप घूम रहे हैं, कई दूसरे ब्रह्मांडों में भी उसके रूप घूम रहे हैं। तो वो आत्मा मनुष्य आत्मा यहाँ जो भी होती है उसका जो संकल्प चलता है, वो संकल्प उसका जहां जहां भी अनेक रूप बैठे हैं उन पर पहुंचता है धीरे धीरे, तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स तक पहुंचता है उसका संकल्प। अगर ये आत्मा गलत काम कर रही है तो उसका संकल्प वहां ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स तक वाइब्रेट होके वो वायुमंडल को नेगेटिव करता है, अनेक आत्माओं को रिएक्शन करता है, अनेक रूपों को रिएक्शन करता है, इसलिए एक से अनेक संकल्प बन के उनके पास जाता है। आत्मा जब ये सोचती है, यहाँ जो सोचती है उसको पता नहीं है कि मेरा एक संकल्पों का रिएक्शन कितना होता है। मनुष्य आत्मा जब एक सोचती है और ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई है तो जितने भी उसके रूप हैं, चाहे ग्रेट यूनिवर्स में हो, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में हो, यूनिवर्स में हो, गैलेक्सी में हो, या दूसरे ब्रह्मांडों में भी हो, दूसरे सोलर सिस्टम में हो, तो इतने ही संकल्प बन के इतने ही सारे संकल्प उन सबको टच होते हैं, उनकी रचना है ना, आप समझे ना, उनकी रचना है। तो कोई भी आत्मा की रचना, कोई भी तुम जो काम करते हो वो तुरंत तुम्हारी आत्मा को रचना इफेक्ट करती है, रचना को इफेक्ट करती है तुम्हारा संकल्प, और वो गिरा देती है। पर बाबू जी, यहाँ का जो मनुष्य है उसके उसके कितने रूप हो सकते हैं दूसरे जगह? कई हो सकते हैं, मैंने कई वीडियो में बोला है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आने वाली आत्माएं कई, बहुत मनुष्य अवतार में ग्रेट यूनिवर्स यूनिवर्स गैलेक्सी से बहुत आत्माएं भरी पड़ी धरती पर, तो उनके कई रूप होंगे, ये सोच भी नहीं सकते। आगे जब आगे चलकर ज्ञान को ज्ञान सागर में डूबे, बार बार विचार सागर मंथन करें, आत्मस्वरूप में स्थित होकर देखें, तो ये सारे राज अंत में आप खुद आत्मस्वरूप में अनुभूति होगी तो खुद देख पाएंगे आप। तो बाबू जी अभी लास्ट यही है क्वेश्चन कि सूक्ष्म जगत की आत्माओं को कैसे देखें और उनसे कम्युनिकेट कैसे करें अगर करना हो तो? पहले तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना आत्माओं को, पहले तो सब पहला सब्जेक्ट आता है ज्ञान, पूरी दुनिया का ज्ञान सुने, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मल्टीवर्स टूडेज मल्टीवर्स फिर ऊपर की दुनिया, ये ज्ञान सुने, ज्ञान सागर बने, क्या बने, ज्ञान सागर में गोते लगाए, ज्ञान सरोवर में भी नहीं, ज्ञान सागर में, और उस पर विचार सागर मंथन करे और आत्मस्वरूप की अनुभूति करे, क्या आत्मा और ऑलमाइटी से कनेक्शन जोड़े, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, क्योंकि ये सब कुछ करने वाली ज्ञान सागर में डूबने वाली आत्मा ये बेहद की आत्मा होगी तो ये बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, ऐसी वैसी आत्मा ये ज्ञान सागर में डूबेगी नहीं, हमारा ज्ञान सुनने की भी नहीं, वीडियो चालू करके आधे मिनट में वो बंद करके चली जाएगी, तो ये बेहद की आत्मा होगी तो बेहद का ज्ञान सागर, पहला सब्जेक्ट ज्ञान सागर में मंथन गोते लगाएगी, फिर योग लगाएगी, कनेक्शन जोड़ेगी ऑलमाइटी अथॉरिटी के, क्योंकि उसको बेहद की कला का पावर चाहिए, उस आत्मा को कौन सा पावर चाहिए, आत्मस्वरूप होने के लिए उसको बेहद की कला का पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से। अगर ये 8-10 कला वाली आत्माओं से कनेक्शन जोड़ेगा या 100 कला 200 कला वाली आत्माओं के कनेक्शन जोड़ेगा तो उससे पावर महसूस नहीं होगा, समझ में आया, जैसे 1000 कला वाली भी आत्माओं से कनेक्शन जोड़ेगा तो भी उसको पावर, क्योंकि वो बेहद की कला की आत्मा है, क्या इसलिए बेहद की कला की आत्मा है, बेहद की आत्माओं की मैं बात करता हूँ हमेशा, मैं बेहद की आत्माओं के बारे में ही बात करता हूँ और उनके लिए ही ज्ञान देता हूँ, उनके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, आम दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। बापू जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा छोटू राम बापू जी के बारे में बात करी है, तो छोटू राम बापू जी से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई और आपका क्या अनुभव था? देखो मैं बताऊं कि हमेशा मुझे ये पता था कि मेरा निराकारी रूप, इस ब्रह्मांड में भी मेरा निराकारी रूप है, इस ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, और मेरा आकारी रूप भी काम कर रहा है, और हमेशा मुझे पता था, मगर मैंने लोगों को बताया नहीं था, मैंने ज्यादातर लोगों को अंदाजन, मैं जब दिल्ली में था तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं मल्टीवर्स का ज्ञान 2014 में या कब दिया, वो एग्जैक्ट समय याद नहीं है, 12-13 हो या 14 हो तब, फिर बाद में मैंने 15 से बताना नाम दिया कि मेरा जो बेहद का जो आकारी रूप है, मेरा जो आकारी रूप है, मेरे निराकारी रूप से वो 198 करोड़ साल पहले उसको निराकार को मैंने जन्म दिया था, और उसी ने ही 108-108 उसी टाइम 198 करोड़ साल पहले हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में उसका सर्जन किया था,
विश्व परिवर्तन के लिए। बाद में कृष्णावतार के टाइम पर उसने 16,000 और 9,00,000 की रचना की थी। तो उसको नाम मैंने छोटू राम इसलिए दिया, और मुझे अंदाजा है कि 15 के आसपास मैंने उनको बच्चों को या 15 या 16 में बताया होगा, बच्चों को जब भी बताया होगा, एग्जैक्ट समय तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं हमेशा बहुत 16 में जब भी बताया होगा, मगर मैं हमेशा बहुत बड़ी मंथन में रहता हूँ इसलिए यहाँ का समय एक्यूरेट बताना मुझे मुश्किल होता है। इसलिए मुझे लगा कि बच्चों को तुम्हें एक्यूरेट तुम्हारे बाप की पहचान दूं, तुम किसके बच्चे हो। बेहद के बच्चे तो बोलते हैं, तो बेहद के बच्चों का बेहद का बाप कौन है। मैंने उनको बताया कि बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप है, जो पहले 500 कला में रह के काम कर रहा था, धरती पर उसको 15,00,000 साल पहले भेजा था, वो 500 किलोमीटर ऊपर में रहकर एक 2 किलोमीटर का डायमीटर में एक बहुत बड़ा रूप में रहकर काम कर रहा था, और वो उसका नाम मैंने छोटू राम इसलिए रखा कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी का ये सबसे छोटी रचना है, सबसे लास्ट रचना है, क्योंकि उसको तो बेहद की कला के ब्रह्मांडों में बात करते हैं, बेहद की कला के ब्रह्मांड में, तो इस ब्रह्मांड ने आकर उसकी रचना की है। तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि बेहद के बच्चों को बता दूं कि तुम्हारी रचना करने वाला बेहद का आकारी बाप है, और उसके लिए उसको नाम दिया था छोटू राम। तो बाबू जी मैं ये जानना चाहता हूँ आपका उनसे किस तरीके से और कब उनकी पहचान हुई थी, ये तो आपने पब्लिक को इंट्रोडक्शन दिया था। पब्लिक को इंट्रोड्यूस, मगर मैं तो काफी टाइम से मैं उसको जानता था, वो एग्जैक्ट तो मुझे आइडिया नहीं है, मगर मेरा आकारी रूप काम कर रहा है। नहीं, जब आप बीके में थे तब आप... बीके में पीबीके में मुझे नहीं पता था, विष्णु का पार्ट चला 97 में तब भी पता नहीं था। ओके, मगर मैं समझाऊं कि शायद 2000 के आसपास मुझे पता था कि मेरा आकारी रूप मुझे काम मेरे साथ काम कर रहा है और मुझे हेल्प कर रहा है, और मैं जो सोचता हूँ वो जो ड्रामा प्लान एक बना हुआ है, ड्रामा का प्लान बना हुआ है, उसके हिसाब से वो मुझे हेल्प कर रहा है। अगर ड्रामा प्लान में काम मैं सोचूं मगर वो ड्रामा में प्लान में काम नहीं होगा तो वो मुझे हेल्प नहीं करेगा। ओके, ऐसा मुझे 2000 के आसपास लगा था मुझे कि मेरा आकारी रूप मुझे हमेशा ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि कई बार मुझे 97 से लेकर मैंने देखा कि मेरे पास बहुत लोग आते थे, बहुत आते थे आत्माएं, और जो चली जाती थी उसमें कोई 100 आए तो उसमें मुश्किल से एक बचती थी। तो मैं हमेशा सोचता था, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि उसमें आत्माएं प्रवेश कर करके आती, तब मैंने सोचा मेरा आकारी रूप तो जरूर होगा, तो फिर मैंने अनुभव किया, तो फिर उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो ज्ञानी तू आत्मा है, वो उसको चाहिए शरीर, वो 3 तत्व वाली आत्मा है, ज्ञानी तू आत्मा है मगर चाहिए शरीर, तो वो प्रवेश करके ज्ञान सुनने आती है, मुझे मिलने आती है, साकार मिलन के लिए आती है, मगर बाद में वो चली जाती है। तो मुझे लगभग 2000 से पता था कि मेरा आकारी रूप मुझे हेल्प कर रहा है। क्या आत्माओं के कनेक्शन से नेगेटिविटी को रोका जा सकता है, जैसे आत्माओं की कनेक्शन अगर हमारा होता है तो उनकी नेगेटिविटी हमारे में ना आ सके, ऐसा? आत्माएं आत्मस्वरूप में रहे तो अपना ओरा सील करके रखें, सीरा के ओरा सील कैसे किया जाए उसकी वीडियो है, और हमेशा कर्मयोगी जीवन बिताएं, तो कोई भी नेगेटिव आत्मा कभी भी किसी को परेशान नहीं कर पाए। बाबू जी, जो 7 चिरंजीवी की बात ही हनुमान जी अश्वत्थामा, हाँ वो बात पहले भी बताया, कृपाचार्य परशुराम वेदव्यास जी, तो वो पावरफुल आत्माएं आज कहाँ पे होगी? वो आत्माएं भटक रही हैं। ओके, जैसे आम आत्मा जैसी हो गई, उसमें पावर नहीं है, पावरलेस आत्मा हो गई। आत्माओं में से पावर तो चला जाता है ना धीरे धीरे करके, संकल्प ज्यादा चलाते इतनी पावर वेस्ट हो जाती है आत्माओं की, और उसमें आत्माओं पर आवरण चढ़ता जाता है ना कर्मों का, कर्मों का आवरण उस पर चढ़ जाता है, आत्माओं पर बड़े बड़े आवरण चढ़ जाता है। तो जिन आत्माओं को अमरत्व का वरदान मिला हुआ था उन आत्माओं का अभी क्या हाल होगा? देखो, अमर आत्मा किसको कहा जाए, मैंने एक आत्माओं का भी एक लाइक होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी तो कह देते हैं, तो जिनको अमरत्व मिला हुआ है, तो कोई ये जब 3 लोग भी खत्म हो जाते हैं, अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय में, कल्प प्रलय होता है तो उसमें भूलोक बुभ्रुलोक स्वर्लोक भी खत्म हो जाते हैं, तो देवताओं का आयु भी एक ब्रह्मा का दिन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर ब्रह्मांड पूरा कल महाकल प्रलय में खत्म होता है, तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो महाकाल प्रलय में भी बहुत मतलब ज्ञान आप सुनना, उसमें डिटेल में बताया हुआ। बाबू जी, जैसे हम स्पिरिचुअल की कोई भी आत्माओं को बुलाते हैं तो क्या हमारा कर्म बंधन उसके साथ जुड़ा है तो ही वो हमारे से कम्युनिकेट करेगी, या फिर कोई भी रेंडमली नई आत्मा भी हमसे मिलने आ सकती है? देखो,
कर्म बंधन के हिसाब से भी आएगी, और नया कोई कर्म बंधन बनाना चाहिए आज। हाँ। कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा है वो, उसके तुम्हारे कर्म बंधन में उससे मिलना नहीं है, ठीक है, मगर वो चाहती है कि मैं उसको, आप बुला रहे तो मैं जाऊं, उसकी बातों को प्रश्न का जवाब दूं, तो नया कर्म बंधन भी तो बांधता है ना कोई भी आत्मा, चाहे मनुष्य आत्मा हो चाहे सूक्ष्म जगत की आत्मा, तो नए कर्म तो भी बनते हैं ना, पुराने कर्म नहीं है मगर नए कर्म भी बना सकती है ना आत्माएं। तो सूक्ष्म जगत की तो बातें इतनी निराली है कि इस पे तो वो तो बता नहीं सकती, क्योंकि एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, एक सोलर की बात नहीं है, गैलेक्सियों में भरी पड़ी आत्माएं, यूनिवर्स में भरी पड़ी आत्माएं, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट पूरे मल्टीवर्स में भरी हुई आत्माएं, ऐसे कई ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है। बाबूजी यहाँ कहते हैं कि जो दिखाई नहीं देता मतलब वो सच्चाई नहीं है, तो आत्मा ही दिखाई नहीं देती तो लोगों को लगता है ये भूत प्रेत की बातें करना, तो ये तो आउट ऑफ, देखो जो दिखाई देता है तुम्हारी आंखों से जो दिखाई देता है कितना दिखता है तुम्हें, ज्यादा ज्यादा तुम्हारी ये पांच तत्वों की चरम चक्षु है, उससे एक किलोमीटर दो किलोमीटर तक देख सकते हो ना, इससे ज्यादा तो देख नहीं सकते ना। तो इन आंखों से जो दिखाई देता है वो विनाशकारी है, मतलब विनाश होता है, अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय में विनाश हो जाता है ना। तो जो अविनाशी चीजें है अविनाशी है, अविनाशी तो ब्रह्मांड भी अविनाशी नहीं है, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी भी अविनाशी नहीं है, यूनिवर्स भी अविनाशी नहीं है, उसका भी प्रलय हो जाता है। तो जैसे साइंस वाले बताते कि मैटर कितना परसेंट है, मैटर 5% है, अब वो उसमें कुछ 20-25% पावर की मैटर जो प्रोसेस में होती है, तो मैटर 5% ही है, ज्यादा नहीं है। तो जो दिखता है वो तो मैक्सिमम कितना है। ये सभी मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत वीडियो देखी है, सूक्ष्म जगत की बातें बहुत बड़ी हैं, जो अलौकिक है, पारलौकिक है, जो ब्रह्म से परे हैं। बाबूजी जो लोग आत्माओं पे यकीन नहीं रखते या विश्वास नहीं रखते उनके लिए आपका क्या कहना है? उसके पीछे माथा फोड़ना बेकार है। ओके, अपने अनुभव से खुद ही सीखेगी, मतलब आत्मा अगर थर्ड क्लास क्वालिटी की है तो नास्तिक है तो उनको क्या समझाओगे, इनके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करते, उसकी चाय भी नहीं लेनी चाहिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ। ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो बाबू जी आपने तो सभी क्वेश्चनों के बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिए, मैं अपने सभी भाइयों को बहनों को सभी को यही कहूँगा कि बाबू जी के इस वीडियो के नीचे अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं, अगर आपके पास कोई विशेष क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल है और जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं वीडियो पर, तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, हम आपके प्रश्न भी पढ़ेंगे, और जवाब देने का कोई पक्का नहीं है कि देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आपके प्रश्न को जरूर पढ़ेंगे। देखिए अच्छे प्रश्न होंगे, देखो एक बात बता दूं, पहले सारे वीडियो सुनिए मेरे, जिस टॉपिक पे आप प्रश्न पूछना चाहते हो उसे सारे वीडियो देखिए, ज्यादातर वीडियो में मैंने हर कोई प्रश्न का जवाब इसी टॉपिक के रिलेटेड, अगर कोई नया टॉपिक होगा, नया कोई क्वेश्चन होगा जो मेरे वीडियो में नहीं आया है तो मैं जरूर ज्ञान दूंगा। ठीक, तो सभी लोगों को ये फिर से कहूँगा कि जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या शुरुआत की है उनके लिए हमारे 3 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखे हैं, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, फॉर द बिगिनर और इंटरव्यू विद बापूजी, ये तीनों का मिला के करीबन 401 वीडियो होंगे। तो ये पूरे वीडियोस आप ज़रूर से देखिए और इसको समझने की कोशिश करें, और हर क्वेश्चन के जवाब हमने हमारे वीडियो के अंदर देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर नहीं है तो हम ज़रूर देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बापूजी का एक ऐप भी हमने बनाया है जो कि प्ले स्टोर के अंदर गूगल प्ले स्टोर में है, बापूजी दशरथ भाई पटेल करके सर्च कर सकते हैं, और इस वीडियो में उसका लिंक भी दिया है। हमारी वेबसाइट पे हमारी फ्री बुक रखी हुई है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस बुक को व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी दुनिया तक फ्री में भेज सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और व्हाट्सएप के माध्यम से हर एक वीडियो के लिंक को दुनिया तक पहुँचाइए, क्योंकि ये सत्य और आखिरी ज्ञान है जो कि हर आत्मा को मिलना ही चाहिए। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परम शांति, परम शांति।